अस्सलाम वालेकुम, हेलो बेंगलुरु, हे गिदिरा। आज बनाने वाली हूँ चिली दाल का मिठा। 250 ग्राम चिली दाल पो किलो। इसे मैं हाफ कप पानी दाल को पहले से गला लेती हूँ, फिर हाफ कप शुगर और हाफ कप खोया, पौ किलो से ज़रा कम खोवा। इसे दूध में नहीं गलाना, दूध में गलाए तो दूध फट जाता है और पूरा कुकर के बाहर आ जाता है। सिर्फ पानी में गला ले को, हाफ कप में गला लो, फिर उसके बाद हाफ कप खोवा। और क्योंकि तो ये सिर्फ पौ किलो है, बहुत थोड़ा शक्कर हाफ कप, जितना मीठा हो, अगर मीठा ज़्यादा होना तो ज़्यादा ऐड कर लो। दाल अच्छे से गल गई। हम इसका पानी निकाल कर इसके अंदर शक्कर भी दूध ऐड कर रहा हूँ। आधा कप शक्कर, एक कप दूध, ये रहा हाफ कप खोवा खोया, ये सब गए इंग्रेडिएंट्स। हम इसे अच्छा सा मिक्स कर, जब तक पकाना, जब तक दूध ज़रा जिद नहीं जाता। अगर दूध रखना चाहे, दूध के साथ खाना है, दूध के साथ भी अच्छा रहता है और पूरा ड्राई भी अच्छा रहता है। बच्चों को दूध के साथ अच्छा लगता है। तो मैं से ज़्यादा खाली ज़रा शक्कर और खवा जब तक ज़रा पकता नहीं तब तक पका ले को, उसके बाद घी के साथ, घी और बादाम के साथ पका ले को। एंड दिस रेसिपी इज़ फ्रॉम माई मदर इन लॉ। तो फिर उसके बाद बादाम, घी और बादाम लौंग पट्टा इलायची के साथ बगा ले। तेल गरम होगा, इसमें इसके अंदर एक ज़र्रा सा पट्टा डाल को हूँ, लौंग इलायची ऐड कर सकते हैं। बादाम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही, दिख रहा भी अच्छा, टेस्ट भी अच्छा आया। तो मैं पहले से टेस्ट करता ली। सभी जने चिली दाल का सालन सीखूंगी। चिली दाल का मिठा बहुत, तो बहुत ही कम, जहाँ तक मैं सुनको हूँ, बहुत ही कम चने बनाते हैं शायद। ये हमारे बैंगलोर में बहुत अच्छा सा बनता है। और ये माई सासूमा है टॉट, हमारे सासूमा बनाती हैं बहुत अच्छा। जब एक बार बनाए थे तो मुझे ये बहुत अच्छा लग गया था, तो तब से मीठा तो मैं ज़्यादा खाती नहीं, तो वन ऑफ माय फेवरेट में माई सासू माँ रेसिपी। ट्राई करो एंड डू लेट मी नो हाउ, कैसा बना था कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।